with all those students who are targeting IIT JEE mains session for 2024. This is Nishi from Choppers Academy, and I'm here to share a very important news for all those students, with all those students who are targeting IIT JEE mains session for 2024. So, this important news is for all the children who are IIT mains ka session dene wale 2024 ke liye. Okay, so अभी बहुत सारे बच्चों में ये confusion है कि ये mains का session जो है 2024 के लिए ये कब होने वाला है, ये January में होगा, ये February में होगा, ये March में होगा, या फिर ये April में ही होगा. But मैं आपको बता दूँ कुछ updates, अलग अलग academies ने अलग अलग sources ने net पे updates डाले हैं. एक Times of India का भी latest update आया है कि JEE Mains 2024 session one likely in February NTA exam calendar, or JEE Mains 2024 session one exam is expected to be conducted in February. National Testing Agency will soon release CUET, JEE, NEET and other exam dates soon. Okay, so इनके हिसाब से ये है कि जो session होने वाला है वो February में होगा. अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ 2023 में भी एक कंफ्यूजन था, नहीं श्योर थे कि जनवरी में होगा, फेब में होगा, या मार्च में होगा, या फिर अप्रैल में होगा. बट सडनली NTA अनाउंस द डेट दैट इट विल बी गोइंग टू टेक प्लेस इन द मंथ ऑफ जनवरी. सडनली ये न्यूज़ आई, और जो जो बच्चों ने अपनी स्ट्रैटेजीज बना रखी थी, लाइक किसी को लगा था कि ये फेब्रवरी में होगा, किसी को लगा कि ये मार्च में होगा, उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज बना रखी थी, प्लानिंग की हुई थी कि कब कब इन्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, कब इन्हें खुद को रिवीजन में देना है, कब इन्हें खुद को टेस्ट सीरीज में देना है. तो अभी क्या करना है, अभी भी श्योर नहीं, अभी भी बोला गया है इट्स लाइकली, इट्स नॉट फिक्स्ड और इट्स नॉट श्योर कि जनवरी में होगा. अभी भी उन्होंने फरवरी ही बोला है, हो सकता है जनवरी में आ जाए पिछली बार की तरह. सडनली NTA अपना डेट अनाउंस कर दे कि जनवरी में हम लेने वाले हैं, भाई अभी आप जैसा करना है आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लो. तो अभी आपके पास टाइम है, इट्स सितंबर नाउ, सो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है. आप फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई पर्सनली सजेस्ट, जो हमारे टॉपर्स अकेडमी की फैकल्टीज भी आपको सजेस्ट करती हैं, लाइक जहाँ भी आप लोगों का सजेशन होगा, लाइक इफ आई पर्सनली सजेस्ट यू, तो यू शुड कंप्लीट योर सिलेबस टिल मिड ऑफ डिसंबर, लाइक 15th ऑफ डिसंबर तक आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए जो भी आपके मेंस के लिए है. एंड उसके बाद आप अपना टाइम दीजिए रिविजन के लिए, और थोड़ा सा टाइम दीजिए आप अपना टेस्ट सीरीज के लिए, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिसेस के लिए. ओके, ताकि आप 1 जनवरी तक खुद तैयार हो जाएं. अगर सेशन जनवरी में होता है तो यू डोंट नीड टू लाइक फोकस ऑन योरसेल्फ मोर, आप सिर्फ रिविजन में ध्यान दे पाएं. जनवरी तक आप खुद को तैयार कर लें किसी भी टेस्ट के लिए, मेनली आप मेंस के लिए जो भी तैयारी कर रहे हो. सो मेक श्योर कि दिसंबर तक आप सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लें, फिर अपना टाइम दीजिए रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, या फिर टेस्ट सीरीज के लिए आप जहाँ भी इनरोल्ड हो, ठीक है, ताकि एग्जाम कभी भी हो, जनवरी में हो, फरवरी में हो, या फिर मार्च में हो, या फिर अप्रैल में हो, आपके पास इनफ टाइम हो. अगर जनवरी में होता है तो ऑब्वियसली आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे 15 दिसंबर तक, या फिर 20 से पहले आप कर सकते हो, और दिसंबर तक आप अपना टेस्ट सीरीज रिवीजन तक खत्म कर लीजिए, ताकि अगर जनवरी में भी होता है तो आप श्योर हो करने के लिए, और अगर फरवरी में होता है, मार्च में होता है, तो आपके पास ऑलरेडी आपके पास टाइम है, आप कर चुके हो दिसंबर तक, तो जनवरी फरवरी जो भी जब भी होगा तब तक आप अपना रिवीजन और टेस्ट सीरीज के थ्रू अपना उसको प्रैक्टिस कर सकते हो. तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़ JEE मेंस के लिए. सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग JEE मेंस 2024 सेशन.